नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का सोनू स्टडी चैनल दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास नाइन मैथमेटिक्स प्रश्नवली टू पॉइंट वन वीडियो में बताऊंगा प्रश्न नंबर एक निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं निम्नलिखित व्यंजकों में कौन 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 एक चर में बहुपद हैं चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है और कौन कौन नहीं है नहीं है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर एक चार एक्स स्क्वायर चार एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस सात क्वेश्चन नंबर दो वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूड दो क्वेश्चन नंबर तीन तीन अंडर रूड टी प्लस टी अंडर रूड दो क्वेश्चन नंबर चार वाई प्लस दो बटा वाई क्वेश्चन नंबर पांच एक्स की घाते दस प्लस वाई स्क्वायर प्लस टी की घाते पचास क्वेश्चन नंबर एक हल बराबर हल बराबर चार एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस सात में केवल एक चर यक्ष है में केवल एक चर यक्ष है इसमें यक्ष की सभी घात इसमें यक्ष की सभी घात धनात्मक पूर्णांक हैं धनात्मक हैं, व्यंजक व्यंजक चार एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस सात एक चर में बहुपद है एक चर में बहुपद है क्वेश्चन नंबर दो हल बराबर बराबर वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट दो मे केवल मे केवल एक चर y है एक चर y है इसमें y की सभी घात इसमें y की सभी घात धनात्मक पूर्णांक हैं धनात्मक पूर्णांक हैं क्वेश्चन नंबर तीन हल बराबर तीन अंडर रूट टू अंडर अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट दो के पद के पद तीन अंडर रूट टी में टी की घात टी की घात एक बटा दो है घात एक बटा दो है जो धनात्मक पूर्णांक नहीं है जो धनात्मक पूर्णांक नहीं है पूर्णांक नहीं है व्यंजक व्यंजक तीन अंडर रूटी अंडर रूट टी प्लस रूट दो बहुपद नहीं है बहुपद नहीं है क्वेश्चन नंबर चार वाई प्लस दो बटा वाई दो बटा वाई के पद दो बटा वाई में वाई घात y की घात माइनस एक है जो धनात्मक पूर्णांक नहीं है पूर्णांक नहीं है व्यंजक व्यंजक y प्लस दो बटा वाई बहुपद नहीं है बहुपद नहीं है क्वेश्चन नंबर पांच यक्स के खाते दस प्लस वाई क्यू प्लस, प्लस टी की घाते पचास में तीन चर में तीन चर एक्स वाई और टी टी है तथा इनकी घात पूर्णांक है इनकी घात पूर्णांक है अतः अतः यह बहुपद है यह बहुपद है, परंतु परंतु एक चर में नहीं है प्रश्न नंबर दो निम्नलिखित में से में से प्रत्येक में प्रत्येक में यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए लिखिएक्वायर का गुणांक लिखिए क्वेश्चन नंबर एक टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्वेश्चन नंबर दो टू माइनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू क्वेश्चन नंबर तीन पाई बटा दो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स क्वेश्चन नंबर चार अंडरउुड दो यक्स माइनस एक क्वेश्चन नंबर एक हल बराबर हल बराबर टू प्लस स्क्वायर प्लस यक्स में यक्स स्क्वायर गुणांग बराबर गुणांग बराबर एक क्वेश्चन नंबर दो हल बराबर दो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर का गुणांक का गुणांक बराबर माइनस एक है क्वेश्चन नंबर तीन हल बराबर हल बराबर पाई बटा दो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स में यक्स स्क्वायर का गुणांक का गुणांक बराबर पाई बटा दो क्वेश्चन नंबर चार हल बराबर अंडर उड दो एक माइनस एक अर्थात अर्थात जीरो स्क्वायर प्लस अंडर उड़ दो अंडर दो दोस माइनस एक में वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर जीरो प्रश्न नंबर तीन प्रश्न नंबर तीन, तीन। पैंतीस घात के दीपत पैंतीस घात के दीपद का और घात तो में घात तो के एक पदी एक पदी का एक, एक उदाहरण दीजिए एक एक उदाहरण दीजिए दीजिए हल बराबर पैतीस घात के द्विपद का उदाहरण उदाहरण बराबर यक्ष के घाते पैंतीस बराबर एक बटा तीन घात तो सौ घात के एक पदी एक पदी का उदाहरण उदाहरण बराबर दस एक्स की घाती सौ हल बराबर पैंतीस घात की द्विपद का उदाहरण बराबर यक्ष की घाते पैंतीस प्लस एक बटा तीन सौ तो घात के एक पदी घात के एक पदी का उदाहरण बराबर दस एक्स के घाते सौ प्रश्न नंबर चार प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित बहुपदों निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए प्रत्येक बहुपद की घात लिखी क्वेश्चन नंबर एक पांच एक्स क्यू प्लस चार एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स क्वेश्चन नंबर दो चार माइनस वाई स्क्वायर क्वेश्चन नंबर तीन पांच टी माइनस अंडर रूट सात क्वेश्चन नंबर चार तीन क्वेश्चन नंबर एक हल बराबर पांच एक्स Q प्लस चार एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स मेचर मेचर यक्स की अधिकतम घात की अधिकतम घात बराबर तीन दिए हुए बहुपद की घात बराबर तीन दिए हुए बहुपद की घात बराबर तीन है क्वेश्चन नंबर दो हल बराबर चार माइनस वाई स्क्वायर में चर वाई की अधिकतम घात वाई की चर वाई की अधिकतम घात बराबर दो दिए हुए बहुपद की घात दिए हुए बहुपद की घात बराबर दो क्वेश्चन नंबर तीन हल बराबर पांच टी माइनस अंडर रूट सात में चर है में चर है कि अधिकतम घात बराबर एक अधिकतम घात बराबर तीन अधिकतम घात बराबर एक सॉरी एक दिए हुए बहुपद की घात बराबर एक दिए हुए बहुपद की घात बराबर एक क्वेश्चन नंबर चार हल बराबर तीन एक अचर पद है तीन एक अचर पद है अर्थात अर्थात तीन दशमलव यक्ष घाते जीरो दिए हुए दिए हुए बहुपद दिए हुए बहुपद की घात बराबर जीरो प्रश्न नंबर पांच प्रश्न नंबर पांच बताइए कि बताइए कि निम्नलिखित निम्नलिखित बहुपदों में कौन 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 बहुपद रेखीय हैं बहुपद रेखीय है कौन कौन दिखाती है दिखाती हैं और कौन कौन दिखाती हैं और कौन कौन घाती हैं क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन नंबर एक यक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्वेश्चन नंबर दो यक्स माइनस एक्स क्यू क्वेश्चन नंबर तीन वाई प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस दो प्लस चार क्वेश्चन नंबर चार एक प्लस एक्स क्वेश्चन नंबर पांच तीन टी क्वेश्चन नंबर t स्क्वायर क्वेश्चन नंबर सात सात एक्स क्यू हल बराबर क्वेश्चन नंबर एक हल बराबर बहुपद बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस यक्स मेचर यक्स की यक्स की अधिकतम घात बराबर दो यह बहुपद दिखाती है दिखाती है क्वेश्चन नंबर दो हल बराबर हल बराबर बहुपद बहुपद यक्स माइनस यक्स क्यू मेचर यक्स की अधिकतम घात की अधिकतम घात बराबर तीन या बहुपद यह बहुपद त्रिघाती है क्वेश्चन नंबर तीन हाल बराबर बहुपद y प्लस वाई स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस, प्लस चार में चर y की y की अधिकतम घात घात बराबर y के अधिकतम घात बराबर दो यह बहुपद दिखाती है यह बहुपद दिखाती है क्वेश्चन नंबर चार हल बराबर बहुपद बहुपद एक प्लस यक्ष में चर यक्ष की अधिकतम घात यक्ष की अधिकतम घात बराबर एक है यह बहुपद रेखीय है यह बहुपद बहुपद रेखीय है क्वेश्चन नंबर पांच बहुपद बहुपद तीन टी मेचर, मेचर है कि है कि अधिकतम घात अधिकतम घात बराबर एक है यह बहुपद यह बहुपद रेखी है क्वेश्चन नंबर हल बराबर बहुपद आर स्क्वायर बहुपद आर स्क्वायर बराबर में चर आर की चर आर की अधिकतम घात दो है अधिकतम घात दो है यह बहुपद यह बहुपद दीघाती बहुपद है hmm. क्वेश्चन नंबर सात हल बराबर बहुपद सात यक्स क्यू में चर यक्स की अधिकतम घात अधिकतम घात घात तीन है यह बहुपद यह बहुपद त्रिघाती है अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू फॉर वाचिंग।